भिवंडी शहर के रास्तों की ट्रैफिक तो वैसे ही भिवंडी की जनता का सरदर्द बन गई है, लेकिन ऐसे में एक दंपति ने महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन तक की चेतावनी दे डाली। दरअसल बात है भिवंडी के कामतगर इलाके की, जहां पर गणेश नगर मार्केट के ट्रैफिक जाम को लेकर के एक दंपति ने महानगर पालिका के आयुक्त को कई बार पत्र व्यवहार भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की ट्रैफिक इस रास्ते पर हमेशा लगी रहती है। दरअसल ये मार्केट का इलाका है और वहाँ पर खेलों के अतिक्रमण के जरिए ये ट्रैफिक लगती है। देखा जाए तो इसके ऊपर कई बार गुप्ता परिवार ने कई बार पत्र व्यवहार भी किया, लेकिन महानगर पालिका की तरफ से इसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में गुप्ता परिवार ने ये अपील की है महानगर पालिका से कि जल्द से जल्द अगर इस परेशानी से लोगों को निजात नहीं दिलाई गई तो हम आने वाले दिनों में महानगर पालिका के सामने आंदोलन करेंगे। जी, मेरा नाम मनोरमा संजय गुप्ता है। मैं गणेश नगर भाजी मार्केट के बारे में बोल रही हूँ। मैंने वहाँ के लिए मैंने आयुक्त के पास गुहार लगाई है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ पे आने जाने और तकलीफ़ होती है। वहाँ चैन स्नेकर लोग आते, चैन खींच के भागते हैं, बाइक वाले आते हैं, वहाँ पे छेड़खानी होती है। वहाँ पे लड़कियों के साथ मतलब छेड़खानी करते हुए पकड़े भी गए, मारा मारी होती है। लड़कियाँ वहाँ से कॉलेज जाती, क्लासेस जाती हैं, बगल में ही क्लासेस है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मनपा आयुक्त को दिखाई नहीं दे रहा है ये सब। मैंने कार्रवाई बहुत मैंने किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ एक बार आए, ठेला निकाल के लेकर गए और तुरंत 5-10-15 मिनट बाद फिर से गाड़ी चालू हो गया। फिर उसके बाद मेरे लिए सब औरतें मिलकर आई थी मारने के लिए कि तूने क्यों कंप्लेन दी, क्यों तूने मतलब ये सब किया। तो मैंने कहा सबकी पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, इतना मतलब जाम करके रखना किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी मनपा आयुक्त तो सुन नहीं रही है। पता नहीं पैसा खा रही है कि क्या करें, हम ये नहीं बता सकते, बोल सकते। पर हम तो टैक्स भी भरते हैं, कहते हैं ना कि हम म्यूनसिपालिटी वाले की टैक्स भरो, हम तुमको सुविधा देंगे। पर हमें कहाँ सुविधा मिल रही है, मिल रही है हमें? देखो तो पूरा रोड जाम है, रोड भी जाम है, गली जाम है, कब्जा करके रखा हुआ है और लोग वहाँ पे हफ्ता वसूली कर रहे हैं। उसके लिए अब क्या किया जा सकता है? हम तो गुहार लगा दी, अब नहीं सुनेंगे, मैं वहाँ धरने पे बैठ जाऊंगी जाकर। बच्चे भी वहाँ से आते बहुत सब स्कूल के बच्चे बहुत आते जाते, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी लड़की भी वहाँ ही रहती, दुकान है हमारी, छिड़कानी होती है, आने जाने में तकलीफ होती है। लेकिन कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहा। मनपा आयुक्त तो अभी तक सोई हुई है, पता नहीं कब जागेगी। मैंने 7-8 महीना हो गया इस कार्रवाई को करके, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई मेरी। आपका क्या है निवेदन? अभी ये निवेदन है उनसे कि मेरी अब गुहार सुनी जाए, अगर वो कार्रवाई करें, नहीं करेंगे। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ, शायद मैं जाके ना धरने पे मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। मैं आयुक्त साहब से मैं निवेदन करती हूँ कि उन ठेला गाड़ी वालों लोगों के लिए जो आरक्षित जगह कहीं दी गई है वहाँ दे दें, या तो फिर वहाँ चलते फिरते रहें, एक ही जगह खड़े हो के रास्ता ना जाम करें। सबको तकलीफ हो रही है और जहाँ भी आरक्षित जगह है उन्हें दे दी जाए, क्या ताकि उनका भी पेट भरे। बस यही निवेदन है मेरा आयुक्त साहब से, मेरी ये दरख्वास्त सुननी है, वो सुने, यही मेरी उनसे गुजारिश है। संजय गुप्ता बोल रहा हूँ कामतगर से। मैंने इसलिए कि पब्लिक के लिए उधर बहुत आपसी असुविधाएं हो रही थी और जो रोड पे खाली क्या गाड़ी वगैरह लगती है, हाथ गाड़ी है, तो उससे इतना मतलब बुरा जाम हो रहा है उधर पे। तो इसकी वजह से मैंने महानगर पालिका के लिए गुजारिश की है कि पत्र व्यवहार किया मैंने, और पत्र व्यवहार करके मैं चाहता हूँ कि हमारी जो मांग है वो क्या पूरी हो सके। वहाँ आने जाने के लिए बहुत हैरानी हो रही, बहुत तकलीफ हो रही पब्लिक के लिए, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, क्लासेस हैं उधर पे, और वहीं से पीएम स्कूल है, बाबा स्कूल है, अपने बोलो तमाम स्कूल हैं उधर पे। तो इसकी वजह से मैं किया कि भाई वहाँ पे आने जाने वालों के लिए सिर्फ थोड़ा वो हो गया सुविधा। और बिग पॉइंट है कि प्लस है कि वहाँ पे ना तो फारवर्ड आ सकती है और ना बोलो तो अपना फारवर्ड का गाड़ी आ सकता है, तो या फिर एम्बुलेंस है वो भी नहीं आ सकती है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ लोग बोलना भी चाहते हैं, पर उनका क्या है, वो लोग नहीं चाहते कि मैं बोलूँ। पर क्या है कि मुझे दिखा उसमें कि ये चीज़ बहुत बड़ी एक मुसीबत है, तकलीफ रही है, आने वाले भी समय में इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये
हो सकती है, बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है हाथ गाड़ियों की वजह से कि पूरा रोड जाम हो जाता है। तो मैंने पत्र व्यवहार किया है महानगर पालिका के लिए, तो आयुक्त साहब से मेरा निवेदन है, विनती है उनसे कि मैंने जो भी पत्र व्यवहार किया है और उसमें एक्शन लिया जाए, और एक्शन लेने के बाद कुछ भी कार्रवाई करें वो उनका अधिकार है। वो आप इतना पत्र व्यवहार किए, पत्र व्यवहार के बाद भी अब तक तो यही इस तरीके से हालात है, इस पे कुछ महानगर पालिका ने बीच में एक्शन लिया था? बीच में लिया था तो कुछ आए थे, ऐसा नहीं आए थे वो लोग, आने के बाद में एक दो हाथ गाड़ी वगैरह उठाई उनने, और उठाने के बाद जिसे बोलते ना खाना पूर्ति, वो खाना पूर्ति की उनने, और करके उसका वीडियो निकाला, फोटो खींचा, और बस हो गया उनका खाना पूर्ति। फिर एक दो घंटे के बाद ही वो मार्केट फिर से लग गया, ऐसा हो गया। आगे क्या करेंगे जिस तरीके से हालात? मैं तो यही प्रशासन से कहना है मेरा कि हम तो वो जब नहीं एक्शन लेंगे, वो हमारे आला अधिकारी हैं, वो हमने जो व्यवहार किया है उस पर एक्शन नहीं लेंगे वो, तो मैं तो यही फिर बाद में दूंगी बल धरना देने वाला हूँ, वो हड़ताल करने वाला हूँ, मैं हाईकोर्ट में जाने वाला हूँ। तो मेरी उनसे रिस्पेक्ट है, विनती है कि मैंने जो भी पत्र व्यवहार किया है तो इस पर एक्शन लें, हमारे ये कहने का है।